मेरा नाम करिश्मा वर्मा है। मैं शाहबाद जिला हरदोई में रहती हूँ। आज पूरा देश, अपना भारत देश, देश दुनिया के सभी देश एक बीमारी से लड़ रहे हैं, कोरोना, COVID-19। सभी को पता है, उससे बहुत बहुत सी मौतें हो रही हैं, बहुत लोग मर रहे हैं उससे। पूरी दुनिया में, भारत हमारे देश में लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। भारत का हर सभी अस्पताल बस कोरोना के ही मरीज को देख रहे हैं। मेरा मेरा ये पूछना है आप सभी से कि क्या सिर्फ जो कोरोना से मर रहे हैं, क्या सिर्फ वही मर रहे हैं? और कोई अगर और बीमारी से जो मर रहा है, उसका क्या इलाज नहीं होगा? मैं ये पूछ रही हूँ। मेरा जो परिवार का सदस्य चला गया है, वो तो देखो इन सब चीज़ों से वापस नहीं आएगा। लेकिन मेरा सिर्फ ये पूछना है कि जितने भी अस्पताल हैं, वो सिर्फ कोरोना के ही मरीज को देखेंगे? अगर कोई परिवार अस्पताल के बाहर मर रहा है और वो कोरोना का नहीं है, तो क्या आप उसे मरने देंगे? सिर्फ कोरोना का ही मरीज देखेंगे? बताइए मुझे ये। मेरे पापा अभी 14 तारीख को, उनके अचानक पेट में दर्द उठा। पेट में दर्द उठने के बाद वो तड़प रहे थे। हम लोग लेके गए सरकारी अस्पताल, उनको किसी ने नहीं देखा। वो अस्पताल के बाहर तड़प रहे, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, कोई कुछ देखने नहीं आ रहा, कोई उनको छूने नहीं आ रहा। फिर मैंने 108 नंबर पे कॉल किया, एम्बुलेंस बुलाई, वहाँ से रेफ़र किया, इधर इसको फ़ोन कर रहा है, उसको फ़ोन कर रहा है, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं उन्हें देखने आ रहा। बस वो अस्पताल के बाहर पड़े, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, प्राइवेट हॉस्पिटल गेट नहीं खोल रहे कोई। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए, तब भी नहीं कोई देख रहा। फिर रेफ़र किया गया जिला जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन्हें हरदोई में, वहाँ भी वो लड़ते रहे, पेट दर्द से तड़पते रहे, उनका पेट सूज आया, बट कोई डॉक्टर उन्हें नहीं देख रहा था, कोई डॉक्टर छू नहीं रहा था उन्हें। फिर लखनऊ का, फिर को हम लोग ने कहा कि नहीं, अब यहाँ कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, चलो लखनऊ लेके चलते हैं। फिर एम्बुलेंस वहाँ से की, 108 नंबर पे कॉल किया मैंने, 112 नंबर पे कॉल किया, ले पुलिस वाले को, फिर लखनऊ रेफ़र करके लेके गए हम लोग पापा को अपने। लखनऊ में 112 नंबर पे कॉल किया कि पहले तो कोई KGMU मेडिकल कॉलेज लखनऊ में, वहाँ एडमिट नहीं किया मेरे पापा को, कहा कि यहाँ सिर्फ कोरोना के मरीज एडमिट होंगे और कोई एडमिट नहीं होगा यहाँ। वो तड़पते रहे पेट दर्द से, उनके खून की कमी हो गई थी बिल्कुल। फिर लखनऊ केसरबाग में बलरामपुर हॉस्पिटल में लेके गए उनको, वहाँ भी वही था कि एडमिट नहीं कर रहे थे, वहाँ भी वो लोग उनको एडमिट किया किसी तरीके से, लेकिन फिर भी कोई डॉक्टर नहीं देखने आया उनको, कोई डॉक्टर नहीं आया देखने, उनके खून की कमी हो गई थी। जब वो देखने आया कोई डॉक्टर उन्हें, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो इस दुनिया से जा चुके थे। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि अब मेरे पापा नहीं आएंगे इस दुनिया में, कभी वापस नहीं आएंगे। बट मैं ये कहना चाहती हूँ सभी से कि कोरोना से लड़ रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी महामारी है, वैश्विक महामारी है, लेकिन अगर कोई कोरोना के अलावा कोई मरीज है, तो क्या आप उसे नहीं देखना आपका फ़र्ज बनता है? आप सिर्फ डॉक्टर क्या कोरोना के लिए होंगे? मेरी सरकार से ये अपील है कि जो मेरे पापा चले गए हैं इस दुनिया में, वो कभी वापस नहीं आएंगे। मैं इस घर की सबसे बड़ी हूँ, मेरे एक भाई है छोटा, 15 साल का है, मेरी बहन है 17 साल की है, दो छोटे छोटे मेरे भाई बहन है, मुझे उन्हें पालना है। मेरी मम्मी थी वो भी चली गई थी, पापा थे वो भी चले गए, अब मुझे उन्हें पालना है। लेकिन मैं पालूंगी, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मैं पालूंगी। लेकिन अब मेरे पापा के साथ जो हुआ है, वो किसी और के पापा के साथ ना हो, किसी और के बच्चों पे वो ना गुजरे। बस मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप कोरोना के डॉक्टर हो, तो क्या आप सिर्फ उसी मरीज को देखोगे जिसको कोरोना है? क्या आपका फ़र्ज नहीं बनता कि जो और दर्द से तड़प रहा है, आप उसे देखो? बस मेरी यही है, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए।